नमस्कार, स्वागत है आपका आईएनएन 24 पर और आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस्लामी नया साल 1 मुहर्रम से शुरू होता है। मुहर्रम की 10 तारीख इस्लाम के अलावा कई धर्मों के मानने वालों के लिए दुनिया में बहुत अहम मानी जाती है, इसलिए इस दिन को यौमे आशुरा कहा जाता है। 1400 साल पहले मुहर्रम की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन ने अपना काबिला नाना जान के दीन को बचाने के लिए शहीद कर दिया, लेकिन यजीद के हाथ पर दीन का समझौता नहीं किया। आज 11 मुहर्रम को अकोला के गायगांव में स्थित पेट्रोल कंपनी के तीनों डिपो के टैंकर एसोसिएशन के लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और करबला में शहीदों की याद में फातेहा दिलाई। इसके अलावा लंगर और शरबत के कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें तीनों डिपो के सभी अधिकारी कर्मचारी, टैंकर चालक व मालिक और गायगांव वासियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर तबर्रुक प्राप्त करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। इस लंगर के कार्यक्रम को सफल बनाने में महाराष्ट्र रिपब्लिक टैंकर यूनियन के मोहम्मद शकील, IOC HPCL व BPCL के अध्यक्ष अहमद खान, IOCL लीडर मुमताज खान, IOCL यूनियन लीडर फैजुद्दीन, यूनियन लीडर राजू भाई, BPCL लीडर मोहम्मद मोबिन और सभी टैंकर ड्राइवर और क्लीनर ने अपना बड़ा योगदान दिया। आप हमारे तीनों डिपो के अधिकारी लोग यहाँ पर आकर ये प्रोग्राम में हिस्से लेकर खाना वगैरह खाते हैं और तीनों डिपो के लोग हम सब मिलकर ये प्रोग्राम को मनाते हैं। गायगांव के सभी लोग, बच्चे गायगांव के सभी पर आकर खाना खाकर ये प्रोग्राम को अंजाम देते हैं। हम सब लोग रिपब्लिकन टैंकर यूनियन की तरफ से ये प्रोग्राम को अंजाम देते हैं। इनका जितने भी हमारे भाई लोग हैं, इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।